एग्जाम हर रोज बहुत नजदीक आ रही है, दिमाग के ऊपर टेंशन आ रहा है कि सबको बोल तो दिया था कि आप टेंशन मत करो, मैं तो पास होके दिखाऊंगा। अब सिलेबस इतना बड़ा है, पूरे सेमेस्टर में सिलेबस कभी देखा नहीं है, कैसे करूं, याद नहीं रह रहा है, सब मिक्स हो जाता है। घर से तो मैं सब पढ़ के जाता हूँ, लेकिन जब मैं एग्जाम में जाता हूँ तब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो ऐसे दिमाग में सवाल आपके घुमरा रहे होंगे, टेंशन आ रहा होगा, और उसी टेंशन में आप आपका कीमती समय बर्बाद भी कर रहे होंगे, या फिर आज आप मुझे मैसेज भी कर रहे होंगे कि सर मैं क्या करूं, बहुत टेंशन में, ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। तो बेटा आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है इसी सब लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है। माय सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखो बेटा, आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे दिमाग में सवाल आ रहे हैं कि क्या सर मैं जो पढ़ूंगा वो पेपर में आएगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा, मेरे को एटलीस्ट पास होना है, आप IMP टॉपिक मेरे को बता दो, ये बता दो, वो बता दो, है ना। फैमिली फ्रेंड सबको मैंने बोल दिया है कि मैं तो पास हो जाऊंगा, मेरे को तो इंजीनियरिंग में सब आता है, मेरे को तो पूरा नॉलेज है, मैंने ये कर दिया है, लेकिन मेरे को पता है कि मैंने कितना किया है। सबको झूठ तो बोल दिया, मैं मेरे पेरेंट्स के सामने रिजल्ट के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे जो दोस्त है वो 5-5 घंटे से ज्यादा 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं तो 1 घंटे भी पढ़ने को लिए बैठता हूँ तो पढ़ नहीं पाता हूँ, फोकस नहीं हो पाता। देखो बेटा, मैं जीवन में आपको एक चीज बोलूंगा आज कि आपको आपका जीवन एक क्रिकेट के मैदान की तरह सोचना है, जिसमें आप अकेले प्लेयर हो, ना तो पीछे विकेट्स हैं, ना तो विकेट कीपर है, ना कोई भी खिलाड़ी है, आप अकेले पिच के ऊपर खड़े हो बैट लेकर के, सामने से 1 by 1 बॉल आ रही है, आपने एक बॉल को मारा, छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं, पीछे ना तो विकेट कीपर है, ना तो विकेट भी है, स्टंप्स भी नीचे पीछे नहीं है, तो आप आउट होने वाले हो। दूसरा बॉल आया, आपने ट्राई किया, तीसरा बॉल आया। तो बेटा अगर आप आपके जीवन को क्रिकेट के ग्राउंड में ओनली आप अकेले हो ऐसे सोचोगे, तो एक बॉल तो ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर आपके बैट से चौका या फिर छक्का लगेगा, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हर आने वाली बॉल के ऊपर मैक्सिमम ट्राई करना। अब आप बोल रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं मेरी लाइफ की एक स्टोरी आज आपको बताता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी, खाली मेरे फैमिली मेंबर्स को ही ये सारी चीज़ पता है। मेरी लाइफ का आज तक का सबसे खराब एक महीना है ना, सबको पता है मई महीने में एग्जाम आती है ना, मेरी एक एग्जाम थी मई महीने में, एंट्रेंस की एग्जाम। अब मेरी एंट्रेंस एग्जाम मई महीने में थी, मैं मार्च के एंडिंग से, जैसे ही बोर्ड की एग्जाम खत्म हुई उसके एंडिंग से, मेरे स्टूडेंट की बॉडी की जो मैं 11th 12th में पढ़ा था उसके एंडिंग से मेरे बॉडी के अंदर ऐसी एक बीमारी हुई कि मेरे बॉडी के जो ब्लड का परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। 4-5 डॉक्टर को दिखाया, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, सब लोगों ने अलग अलग राय दी, किसी ने बोला ये हो सकता है, किसी ने बोला ये हो सकता है, लेकिन इसी बीच में मैंने बहुत सारी दवाएं भी खाई, मेरे को पता है आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथिक भी खाई, होम्योपैथिक भी खाई, कुछ सॉल्यूशन नहीं, मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड भी डॉक्टर है ना, तो भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। धीरे धीरे ब्लड कम हो रहा था, बाहर से ब्लड एड नहीं हो रहा था, 12%, 11%, 10%, 8% आया। अब मेरी एंट्रेंस एग्जाम बहुत जरूरी थी, जो साल में एक बार आती है, नॉन गेट की एग्जाम। मैंने गेट क्वालिफाई नहीं करी थी क्योंकि मेरे को कोई बहुत बड़ी कॉलेज में जाना नहीं था, मेरे को खाली मास्टर्स करना था, प्रोफेसर बनना था। तो मेरी एग्जाम आ रही थी मई महीने। अब मैं ऐसा सोचूं कि भाई मैं ऑपरेशन करवा लेता हूँ, एक डॉक्टर ने सजेशन दिया गांधीनगर के, आप ऑपरेशन करवा दो, ये ठीक हो जाएगा। हमें ठीक भी लगा कि हो सकता है, और मेरे जितने भी डॉक्टर्स है हमारे फैमिली, उन लोगों ने बोला कि ये ऑपरेशन इसका इलाज है, सही बात है। लेकिन मैं ऑपरेशन करवाता तो फिर मेरे को बेड रेस्ट करना पड़ता 15 से 20 दिन। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आया कि मई महीने में मैं एग्जाम देने के बाद ये ऑपरेशन करवाऊँ या उससे पहले ये ऑपरेशन। अब मेरे को पढ़ाई भी करनी थी, नॉन गेट में अच्छा रिजल्ट भी लाना था, अच्छी कॉलेज में चाहिए था, क्योंकि मेरा गोल था कि मेरे को LDRP प्रोडक्शन में लेना है, और प्रोडक्शन की सीट्स बहुत कम थी तो LDRP भर भी जाती है ना, और ओपन की तो 4 सीट या 5 सीटें थी हमारे टाइम, 5 में से 1 सीट मेरे को लेनी थी। अब कन्फ्यूजन दिमाग में ऐसे थे, मैं ऑपरेशन करवा दूँ, ये साल को मैं ड्रॉप मारूँ, नेक्स्ट ईयर मैं लूँ एडमिशन, क्या करूँ। अब इतने सवालों के बीच में मैंने एक रूल फिक्स कर दिया कि मैं कुछ भी होगा मैं पढ़ाई करूँगा। मेरे को डॉक्टर ने ना बोल दिया था कि आपको खड़ा नहीं होकर कहीं पे जाना नहीं है, क्योंकि लास्ट में मेरा जो ब्लड था वो 6% हो गया था, तो मैं कभी कभी चक्कर भी मेरे को आ जाते, तो डॉक्टर ने क्लियरली ना बोल दिया था कि इसको गाड़ी चलाने मत देना, इसको कहीं जाने मत देना। तो भी मैंने मेरे ट्यूशंस उस टाइम पे जो थे, क्योंकि मई महीने में नीट की एग्जाम भी आती है, तो मेरे जितने भी ट्यूशंस थे वो मैंने खत्म किए है ना। मैं जाता था, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, थोड़ा चढ़ता थक जाता था क्योंकि ब्लड नहीं था है ना, कभी कभी कुछ दिखता भी नहीं था, तो भी मैंने सब कुछ किया। एक स्टूडेंट को मैं मेरी गाड़ी में बिठाता था कि मेरे को कुछ हो तो वो मेरे को हॉस्पिटल तक तो ले जाए। क्लियर, मैंने मेरी एग्जाम की पढ़ाई भी सोते सोते करी, मेरे को पता था कोई ऑप्शन नहीं है, है ना, इतना दर्द मेरे को हो रहा था तो भी मैंने करा। 5 मई को मेरी एग्जामिनेशन थी संडे के दिन, वो एग्जामिनेशन मैंने दी, मंडे को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मंडे ट्यूजडे वेनसडे रोज की 2-2 बोतलें मेरे को चली, 8+ मेरा ब्लड हो गया, क्योंकि एनेस्थेसिया जो देता है उसको कंपलसरी 8+ ब्लड चाहिए ही चाहिए, वरना ऑपरेशन नहीं करने देता। ऑपरेशन वाला डॉक्टर तो बोल रहा था कि ऑपरेशन मैं कर दूंगा, लेकिन इन बिटवीन कुछ भी ब्लड का प्रॉब्लम हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता।
तो 3 दिन ब्लड की बॉटल चली, 4th दिन मेरा ऑपरेशन हो गया, 15 दिन में मैं ठीक हो गया। लेकिन इस कहानी से जीवन में एक सीख मिली कि कितनी भी खराब सिचुएशन हो, वो मेरी लाइफ का पूरा 2 महीना इतना खराब था जो मैं कभी आज बैठ के सोचता हूं तो मेरे को लगता है कि इसके सामने मैंने कब डील करी थी। मेरे को खाली दिमाग में इतना ही पता था कि भाई मैं ये कर सकता हूं, मेरे को मेरे माइंड के साथ गेम खेलना था, है ना। चीजें अपने आप अपने कंट्रोल में आ जाती अगर आप माइंड के साथ खेल खेलते हो। तो आपको अपने आप को ही चैलेंज देना है कि भाई कितना भी टाइम, आप ऐसा मत सोचिए 4 दिन बाकी है, आप ऐसा सोचिए कि 24x4 इतने घंटे बाकी, और मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज कीजिए। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, ये करूं, ये आप पूछते रहोगे तो और आपका टाइम जा रहा है धीरे धीरे, घड़ी टिक 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 तो चल ही रही है। जितना टाइम है मैं मेरा मैक्सिमम एफर्ट डालूंगा, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए मेहनत करूंगा, मैं मेरे अपने आप के लिए मेहनत करूंगा। अगर शायद ये बॉल आया, एक एग्जाम आई, और अगर आपने छोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं फेल हो जाऊंगा ना, लेकिन मेरे को कभी अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। हाँ, मेरी गलतियां थी, वो गलतियों को मैं एक्सेप्ट भी करूंगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में जोरदार बाउंस बैक के साथ आऊंगा और एग्जाम वापस दूंगा। तो गलतियां हुई, सुधरोगे ना। मेरी भी फर्स्ट सेमेस्टर में 80-80 आई थी, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा जीवन में, है ना। मेरी गलती थी, 80-80 में भी मेरी ही गलती थी, मैंने कौन सी चीजों की वजह से मेरी 80-80 आई वो मेरे को पता ही था, मैंने कभी वो दूसरी बार होने नहीं दिया। सेकंड सेमेस्टर के बाद जितनी भी डिग्री करी आज तक एक भी 80-80 नहीं आई, है ना। मैं चाहता तो भी मैं नहीं ला सकता। तो बेटा आपको यही करना है, अब मेरी 80-80 आएगी, मेरे को टेंशन आ गया है सर मैं क्या करूं, सब जगह से रास्ते बंद हो गए, फ्रेंड 10 घंटे पढ़ रहा है, स्नैपचैट पे स्टोरी डाल रहा है, आज मैंने ये रिवीजन कर लिया, मैंने वो रिवीजन कर लिया, मैं क्या करूं। बेटा एक चीज है, अगर आप शीशे के सामने खड़े रहोगे, मिरर के सामने खड़े रहोगे, ऐसा बोलोगे कि भाई मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूं एक स्माइल दे करके, और मैं जो पढ़ूंगा वही पेपर में आएगा, तो शीशा क्या बोलेगा, सेम वही चीज बोलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वही पेपर में आएगा। तो यही जीवन का रूल होता है, आप जो सोचोगे, आप जो करोगे, आपको बस आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना है, ना तो नेगेटिव थॉट्स आने देने हैं, ना तो और किसी की बातों में आना है। कोई फ्रेंड जीवन में काम नहीं आता बेटा, है ना, कोई काम में नहीं आता। इस टाइम पे वो सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपको ऐसा बोलेगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तू भी टेंशन मत ले, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब उसके 9 SPI आएगा और अपने 7 SPI आएगा। मेरे जीवन में भी फ्रेंड्स का बहुत खराब एक्सपीरियंस है ना, जिसको मैंने मेरे दोस्त माने थे वो लोग पीछे से हथियार गोद के चले गए, है ना। उसके बाद तो मैंने बहुत सीख लिया, मैं किसी को ना चाहते फ्रेंड्स ही नहीं बनाता। हाँ, ग्रुप रखता हूँ लेकिन फ्रेंड्स नहीं बनाता। मेरी जितनी भी टॉप सीक्रेट बातें मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि कब कौन सा फ्रेंड आपको ऊपर पहुंचने पे देख के ही नीचे से आपकी टांग खींचेगा। तो मैं भी आपको आज बोलूंगा कि फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए, अपने टीचर को अपना फ्रेंड बना लीजिए, ना मिले कोई तो मेरे को फ्रेंड बना लीजिए, मैं तो कभी आपके पीछे हथियार घोपने आने नहीं वाला हूं। क्लियर। तो फ्रेंड्स टाइम आने पे ही अपने साथ दगा करते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। तो फ्रेंड्स को भूल जाइए, सबको भूल जाइए, कि आसपास के लोग क्या बोलेंगे सब भूल जाइए, अपने आप पे भरोसा करिए, है ना। एक बार अगर आप इस एग्जाम में पास हो गए, मान लो आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा था, ये मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरे पढ़ाने की वीडियोस देख रहे हो, पूरा मोटिवेट हो रहे हो, और अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो घर के स्टडी टेबल में लगाना कि मैं अगर 1 वीक में 7 SPI ला सकता हूं तो मैं 6 महीने में 9.5+ SPI भी ला सकता हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी है। ये बेटा आपको प्रूव करना है, आपको मैं बोल रहा हूँ इसलिए पास नहीं होना, इस बार पास होना है अपने लिए, और वो लगा के रखना है कि मैंने 4 या 5 या 10 दिन में भी सारी एग्जाम पास करी थी, मेरी गलती थी मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे मैं ये गलती नहीं करूंगा, 4 महीने 5 महीने जितने भी मेरे को मिलेंगे उसमें मैं मेहनत करूंगा तो मैं 9.5+ लाऊंगा। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं फेल था, किसी को नहीं पता था कि मैं मेरे मास्टर्स का गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा, बीएड और एमएड का मैं यूनिवर्सिटी टॉपर बनूंगा, लेकिन मैंने किया क्योंकि मेरे को पता चल गया था ये बहुत ईजी तरीका है। एग्जाम दुनिया की सबसे, जितनी भी एग्जाम है वो सबसे ईजी है। आज भी मेरे को आप कोई भी एग्जाम बता दो, है ना, कोई भी एग्जाम बता दो, आपकी एग्जाम बता दो और मेरे को बुक दे दो, 1 वीक दे दो कब एग्जाम देनी वो मेरे को आप बता दोगे, तो उस एग्जाम में मैं अच्छे नंबर से पास होकर के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को एग्जाम का डर ही नहीं लग। पता चल गया है कि भाई अपने में दम है, अपने जो कुछ भी करेंगे पूरी ईमानदारी से करेंगे, चाहे फेल भी हो गए तो अफसोस ये नहीं रहेगा कि मेहनत नहीं करी थी। तो जीवन में बेटा जितनी भी एग्जाम है उसमें कभी आपको ये अफसोस ना रहे कि आपने मेहनत नहीं करी थी, उसके लिए मेहनत करनी है। 3 घंटे सो 24 आवर्स में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा 3 घंटे सो गए 4-5 दिन के लिए, एक बार बेटा कर लिया ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आज जाते जाते कमेंट लिखो कि आई विल गिव माई बेस्ट। रिजल्ट कोई भी आए, फेल पास, है ना, बॉल छूटेगा भी सही, एक बॉल पे ही 6 लगती है ना, लास्ट बॉल पे 6 लगाने वाले भी होते हैं, है ना, रिंकू सिंह जैसे, तो आपने लास्ट बॉल पे भी 6 लगाएंगे। जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक एग्जाम में फेल भी हो गए तो, लेकिन जीवन में इससे फर्क पड़ेगा कि इस एग्जाम में आपने प्रिपरेशन नहीं की थी उसकी वजह से फेल हुए, या फिर आपने पूरा ईमानदारी से प्रिपरेशन किया था लेकिन फेल। तो अब आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि बेटा आप तो बुक लेके पढ़ लो, है ना, डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखना है,
डिस्ट्रेक्शन कोई जीवन में काम नहीं आने वाले, ना तो रील्स काम में आने वाले, ना तो शॉर्ट्स काम में आने वाले, ना तो यूट्यूब काम में आने वाले, ना तो स्नैपचैट के रखे हुए स्नैप काम आने वाली है आपकी मेहनत जो लाइफ में हर जगह पे काम और बहुत कुछ सिखा के जा रही। तो बेटा बस एक कमेंट जो मैंने बोली है कि आई विल गिव माई बेस्ट, वो नीचे लिख के जाना, आपका बेस्ट दे दो, जितना मैक्सिमम टाइम है उतनी पढ़ाई करो, मैं श्योर हूँ कि आप पास हो जाओगे, आप श्योर बन जाओ, पहले आपको श्योर बनना है कि नहीं आप पास हो जाओगे, है ना। और इस बार पास हुए तो कॉन्फिडेंस देखना इतना आप चला जाएगा जीवन की एक भी एग्जाम में आओ फेल नहीं होगे। तो ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। जो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे लगता है मैं तो फेल हो जाऊँगा, क्यों लगता है भाई, नहीं लगाना है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।